नमस्कार दोस्तों, मैं तीर्थ प्रसाद टेक्निकल एजेंसी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एलजी एंड्रॉइड स्मार्टफोन मेकर कंपनी जिसकी एलजी क्यू सीरीज जो काफी फेमस है, जहां पर आप लोगों को एक मिड रेंज गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं, इसी सीरीज के अंतर्गत कंपनी ने आज अपना एक और न्यू लेटेस्ट 4G गेमिंग और मिड रेंज स्मार्टफोन को कर दिया है लॉन्च, और इसका नाम कंपनी ने एलजी Q52 रखा है। यह इससे पहले लॉन्च एलजी K52 के सक्सेसर स्मार्टफोन के तौर पर देखा जा रहा है। यह स्मार्टफोन यूएस के मार्केट में ब्लैक, रेड और ब्लू के साथ परचेज करने के लिए ऑलरेडी उपलब्ध हो चुका है, और यह स्मार्टफोन बहुत जल्द ही आप लोगों को भारतीय मार्केट में भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी एलजी के न्यू लेटेस्ट एलजी Q52 के फीचर्स के बारे में बात करने वाले, इसके भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़े और सबसे पहले अगर मैं बात करूं इस एलजी Q52 के सबसे पहले डिजाइन के बारे में, तो इसके बैक पैनल से करते हैं शुरुआत। तो यहां पर आप लोगों को 3D ग्रेडिएंट कलर फिनिशिंग देखने को मिलने वाली है, जिसके साथ इसके बैक साइड पर आप लोगों को स्क्वायर शेप पर क्वाड कैमरे, डुअल एलईडी फ्लैश की सुविधा, कंपनी की ब्रांडिंग इसके बॉटम तल पर बैक साइड में देखने को मिलने वाली। इसके अलावा इसके साइड पर आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर कंपनी दे रही है। इसके अलावा अगर बात करें इसके फ्रंट साइड डिजाइन के बारे में, तो यहां पर आप लोगों को डॉट नॉट डिजाइन की डिस्प्ले कंपनी दे रही है, जिसका बॉडी और डिस्प्ले का जो रेशियो 89% का होने वाला है। स्मार्टफोन देखने में काफी पतला और इसकी जो डिस्प्ले है उसके तरफ काफी कम बेजल आप लोगों को देखने को मिलते हैं। स्मार्टफोन देखने में वाकई में काफी अट्रैक्टिव है। आप लोगों को कैसा लगा कृपया नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आगे बढ़े अगर बात करें इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को 6.6 इंच की HD प्लस डिस्प्ले दे रही है, जिसका रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल का है। 20:9 रेशियो वाली इसमें आप लोगों को डिस्प्ले मिल रही है, और इस डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस निट है वो 320 निट का है। इसके अलावा इसके डिस्प्ले पर आप लोगों को 2.5D कवर्ड ग्लास भी देखने को मिलने वाला है। मिड रेंज स्मार्टफोन के तौर पर काफी अच्छी डिस्प्ले आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रही है। अगर बात करते हैं इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो इसके अंदर कंपनी आप लोगों को मीडियाटेक का Helio P35 ऑक्टाकोर प्रोसेसर उपलब्ध करवा रही है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड लॉक्ड है 2.3 गीगाहर्ट्ज पर। इसके साथ कंपनी इसमें आप लोगों को GPU दे रही है मावली का पावर VR8320। 12 नैनोमीटर पर बिल्ट किया गया है प्रोसेसर, इसमें आप गेमिंग के साथ साथ डेली टास्क बड़ी आसानी से पूरे कर पाएंगे। मिड रेंज के हिसाब से काफी अच्छा प्रोसेसर आप लोगों को इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के OS के बारे में, तो इसमें कंपनी आप लोगों को Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स दे रही है, जिसमें यह स्मार्टफोन रन करने वाला है। मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हाल फिलहाल में यह स्मार्टफोन एक ही स्टोरेज रैम वेरिएंट के साथ उपलब्ध हुआ है, जहां पर आप लोगों को 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज देखने को मिल रही है, जिसकी स्टोरेज को SD कार्ड के जरिए बढ़ाकर 512GB तक कर पाएंगे। इसके रैम पर आप लोगों को LPDDR4X और इसकी स्टोरेज पर आप लोगों को UFS 2.1 की टेक्नोलॉजी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा अगर बात करें इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो इसके रियर साइड पर कंपनी आप लोगों को क्वाड कैमरे का सेटअप दे रही है, जहां पर आप लोगों को 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, जिसके साथ 5 मेगापिक्सल का वाइड एंगल, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर कंपनी उपलब्ध करवा रही है, जिनके साथ आप लोगों को LED फ्लैश की भी सुविधा देखने को मिलने वाली है। अगर बात करते हैं इसके फ्रंट साइड कैमरे के बारे में, तो यहां पर कंपनी आप लोगों को सेल्फी और कॉलिंग के लिए 13 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा देने वाली है, जिनमें आप लोगों को AI, HDR, पैनोरमा, स्लो मोशन, ब्यूटी और इसके अलावा HD वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के साथ कंपनी 4000mAh की बैटरी आप लोगों को दे रही है, जिसमें आप लोगों को 30W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। चार्जिंग के लिए कंपनी इसमें माइक्रो USB टाइप सी दे रही है। इसके अलावा अगर बात करते हैं इसके अन्य फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आप लोगों को डुअल 4G सिम का सपोर्ट, ब्लूटूथ 5.0, वाईफाई, GPS, 3.5mm ऑडियो जैक, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एंबिएंट लाइट जैसे सेंसर देखने को मिलने वाले हैं। फाइनली दोस्तों, अगर बात करें इस स्मार्टफोन के भारतीय मार्केट में कीमत और उपलब्धता के बारे में, तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि कंपनी ने अभी इसको यूएस के मार्केट में किया है लॉन्च, और यह स्मार्टफोन बहुत जल्द ही भारतीय मार्केट या अन्य मार्केटों पर देखने को मिल सकता है नवंबर के महीने तक। अगर बात करते हैं इसकी भारतीय मार्केट में कीमत के बारे में, तो इसकी कीमत भारतीय मार्केट में अगर वहां की करेंसी को यहां की करेंसी करते हैं कन्वर्ट, तो लगभग 12,000 से 13,000 रुपए के आसपास होने वाली है। दोस्तों, अगर इस प्राइस सेगमेंट के साथ कंपनी इसको भारतीय मार्केट में करती है लॉन्च, तो यह काफी अच्छा स्मार्टफोन हो सकता है। आप लोगों के मन में क्या है विचार इस LG Q52 को लेकर, जो भी हो दिल में विचार कर नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहूंगा। जय हिंद।